लेफ्ट साइड में पिनो, राइट साइड में उसका टॉयस। अभी आँख खुली देखती हूँ तो दोनों साइड में ये बच्चे, और अभी बजे है 9 में 5 कम, पर्दे वगैरह बंद है। द मस्त सुकून वाली नींद, सुकून वाला टाइम लग रहा है। पर जैसे अभी यहाँ से उठो और जैसे ही दरवाज़ा खोलो तो सुकून गायब, सब गड़बड़ी चालू। तो चलो भाई, आँख तो खुल गई, अब उठ जाते। जैसे मैं यहाँ से हिलू ना तो ये मैडम मेरे पीछे पीछे जंप करेगी। ओ माँ, आँख खुल गई, देखो। देखिए जैसे दरवाजा खोली मैं अभी, ये देखो उठ के अंगड़ाई लेगी, उसको पता है सीधा मेरे को किचन में जाना है। आएगी आएगी, अपने आप आएगी। देखा देखे, उसको लगा मम्मी वहां जाएगी, सीधा मैं किचन में आई हूँ, आ गई मेरे पीछे पीछे। यहाँ भी सब पर्दे बंद है, यहाँ भी ये लोग सुकून से सो ही रहे, मस्त लग रहा है लोगों को भी देख, सोते हुए देखकर। अभी पहले मैं फ्रेश होती हूँ फिर इनको उठाती हूँ। ये रखी मैंने अपने लिए चाय, और आज निकाली हूँ पॉम्फ्रेट फिश, क्योंकि मुझे इसकी करी भी बनानी है और इसको फ्राई भी करना है, और मेरे ख्याल से आज दोनों टाइम यही रहने वाला है। और इसकी मैं सोच रही हूँ रेसिपी भी बनाऊँ अच्छी वाली। और ये रहे बादाम और अखरोट, जो अभी नाश्ते के पहले खाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने निकाली हूँ नारियल पानी, अब लगाती हूँ तिलावत और बैठ के खाती हूँ दवाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह सारी तिलावतें हो गई, दवाई खा के हो गई, का बादाम और अखरोट भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया मैंने। और जैसे कि बताइए आपको, आज मुझे बनाना है पॉम्फ्रेट फिश कड़ी एंड उसके साथ फ्राई फिश। तो उसके लिए चाहिए मुझे गीला वाला नारियल, घर में है सूखा नारियल। तो अब मैं बोली चलो नीचे उतर रही हूँ तो एक दो काम और कर लूँ, तो उसी के साथ अब उतर रही हूँ नीचे। और मेरा बेटा आँख मसलते हुए ये परेशान होते हुए नीचे उतरा है, और उसी के साथ सुबह सुबह चश्मे निकाली पहनने के लिए, तो उसमें से एक टूट गया। तो मैंने अब इसको डाल देती हूँ नीचे डस्टबिन में, और थोड़ा सा बाजार लेकर आती हूँ, फिर मस्त बनाती हूँ दोपहर के लिए, रात के लिए, डिनर भी और लंच भी। क्या बोलते हैं? तो कुछ बाजार में भी शूट नहीं करी, नारियल लेने गई थी घर का हरा मसाला, ये वो चाहिए था जो फिश कड़ी बनानी है। और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, कितनी गर्मी, इतनी गर्मी आने के साथ पहले तो सबसे पहले मैंने ये संतरे को सब चूस चूस के इसका जो जूस है वो पी, उससे क्या होगा थोड़ी एनर्जी आएगी, और नेचुरल चीज़ें हैं। और अभी पकाने की तैयारी। और मेरी पीनू देखो, मेरी पीनू देखो पूरे रूम में घूम घूम के खेली पीनू। तू क्या बैठे ली देखो, तो भूख लगी ली, मेरे को नान कटाई खा रही हूँ। अभी तो टेलर के पास भी जाना है, मैंने लाई थी दादर से साड़ी, इसका टन आ गया, जल्दी पहनने वाली हूँ। ब्लाउज एक दिन में सिल के चाहिए, आपको नहीं बोलूंगी कि कोई हो तो बताओ, मैं खुद जाके सिलाऊंगी इसको। फिर मैं सोची जाऊंगी टेलर के पास, अचानक ऐसी मुझे फीवर चढ़ी, ऐसी फीवर चढ़ी कि ना मैं कुछ टेलर के पास गई, ना कुछ काम करी, ना कुछ। मुझे तो असर मगरिब कब गई वो भी नहीं पता है। अभी मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैं उठी, अमीन बोला मैं जा रहा हूँ जिम, तो मैंने बोली बेटा जरा टेलर को देखते हुए जाना ब्लाउज, उसके पहले मैंने लगा लिया घर में सारी अगरबत्ती। हाँ जाओ, सब जगह पे अगरबत्ती, लोबान की अगरबत्ती लगाई, और अब रखूंगी चाय। जैसे वहाँ पे देखो चाय के लिए दूध निकाली, सब सामान निकाली, और अब लगाऊंगी गरम गरम पानी और थोड़ा नहा लेती हूँ। बस मुझे इतनी अच्छी फिश कड़ी बनाना था, फिश मसाला बनाना था, और उसके साथ फिश फ्राई बनाना था, लेकिन तबीयत की वजह से बनी ही नहीं। और मैंने नमक लगा कर रखी थी, तो वो फिर अभी मैंने निकाली, उसको वॉश करी और फिर रख दी, मेरी कल बना लूंगी, अभी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे घर में सॉरी गांव में हम लोग खाते हैं टमाटर का खट्टा बोलते हैं उसको, मेरे दोनों बेटों को भी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और सबसे ज्यादा वो ईजी बन जाता है। तो वो बस कुकर में डाल के चढ़ाई हो, क्योंकि मैंने आपको बताई थी आई थिंक एक ब्लॉग या दो ब्लॉग पहले कि मैंने देसी टमेटो लाई थी, तो उसके बहुत टेस्टी बनते, खट्टे खट्टा सा बनता है टमाटर का खट्टा।
तो वो चढ़ाई हूँ और उसके साथ बनाऊंगी स्टीम राइस और फिर ये जो चिकन है और ये क्या बोलते हैं क्रैप लॉलीपॉप, तो ये निकाला मैंने, तो ये सब चीज़ों को कर लेती हूँ फ्राई। और इसी के साथ में दूध भी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा दूध बचा है तो इसकी मैं एक आधे कप बना लेती हूँ चाय। और उसके बाद फिर थोड़ी सी तिलावत, ऐसे तो आज सुबह सारी तिलावतें लगा दी थी मैंने, बट अभी मेरा दिल नहीं लग रहा और तबीयत भी थोड़ी नरम गरम है, बच्चे भी चले गए, गरम पानी लगा के थोड़ा गरम गरम पानी नहाती हूँ और फिर कुछ तिलावतें लगा के आराम से चाय पीती थोड़ा देर बैठ के। ये ऐसा रहता है टमाटर का खट्टा, इसको थोड़ा ठंडा होगा तो इसको दाल घूटनी से अच्छे से इसको ऐसे घोट लेते हैं और इसमें ना तेल पड़ता है ना घी पड़ता है, ऐसे ही रहता है ये। मैं बाद में आपको इत्मीनान से सब बताऊंगी। और ये बन गई मेरी चाय। तिलावतें मैंने शुरू कर दी, वैसे तिलावत मेरी सुबह हो गई थी, फिर अभी फिर से अकेली हूँ ना घर में। और ये मेरी छोटी सी कप की चाय, ये होता है टमाटर का खट्टा जो मैं आपको बताई थी, ऐसा होता है। इसमें पड़ते हैं हरी मिर्ची, लहसुन और बहुत सारे टमाटर और टेस्ट के हिसाब से नमक, बस इसको डाल के आपको उबालने रख देना है। अगर आपको पसंद है तो एक प्याज भी आप इसमें डाल सकते हो। अच्छे से इसको उबाल के फिर दाल घोटने की मदद से हो या फिर मिक्सर ग्राइंडर की मदद से हो, इसको दरदरा करना चाहिए, इसको एक बारीक नहीं किया जाता है। ऐसे खाते वक्त जो टमेटो का जो टेस्ट होता है, लहसुन का जो टेस्ट होता है, वो मुंह में आना चाहिए। तो ये ऐसा हमारे गांव में जैसे चूल्हे में टमाटर डाल देते तो भी वैसा चूर के बनाते हैं या फिर कभी कभी ऐसे उबाल के भी बनाते हैं। इसको कहते हैं टमाटर का खट्टा और उसके साथ खाया जाता है स्टीम राइस। और उसके साथ कुछ भी आप मटन की पीस हो, चिकन की पीस हो, कुछ भी कबाब टाइप बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई हूँ चिकन फ्राई और ये रेडीमेड जो क्या है ये क्रैप लॉलीपॉप, तो ये क्रैप लॉलीपॉप फ्राई करी हूँ। ये हमारा लंच, ये सॉरी डिनर है हम तीनों का। अमीन चावल नहीं खाता, वो आएगा तो अपने लिए ब्रेड टोस्ट करेगा। तो ये सब हम तीनों, दो बच्चे और मैं और मेरी पीनू, हम चारों का खाना है ये।